मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है 2024 की लेटेस्ट अपनी मारुति सुजुकी ब्रेजा, और ये जो हमारे सामने वेरिएंट खड़ा हुआ है वो है आपका ZXI, यानी कि टॉप से जस्ट एक नीचे वाला मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर हमारे सामने वेरिएंट खड़ा हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम जो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, इसकी एक शोरूम ऑनरोड कॉस्ट भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं सबसे पहले इसके आगे के लुक की बात करूं तो यहां पे आपको देखने को मिलती है अपनी LED DRLs। यहां पे आपको पूरा हेडलाइट जो है अपना LED का सिस्टम देखने को मिलेगा। डुअल प्रोजेक्टर वाले यहाँ पे आपको LED अपने प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हाई बीम और लो बीम देखने को मिलेगी। इस तरीके से LED की DRLs देखने को मिलेंगी। अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ZXI वेरिएंट में आपको यहाँ पे फॉग लाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी। इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पे फॉग लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको टोइंग हुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ग्रे फिनिश की अपनी यहाँ पे स्किड प्लेट, नंबर प्लेट का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं आता हूँ उसकी साइड प्रोफाइल पे तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 16 इंच का टायर। MRF का टायर आपको देखने को मिलेगा। 215/60 R16 का टायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 5 नट वाला आपको यहाँ पे अलॉय देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर का अलॉय, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और ये पूरी गाड़ी एक बार फ्रेम में चौड़ करो, कितनी प्यारी लग रही है ना आपको। आगे व्हील आर्क, पीछे की तरफ व्हील आर्क, साइड में इतनी मोटी मोटी सी क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 200 mm का 198 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो आगे आपको डिस्क मिलेगी, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे इस तरीके से पैसिव एंट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ ORVM की तो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल आपको देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ORVM पे। ऊपर की तरफ अपनी रूफ रेल देखने को मिलेगी, फंक्शनल रूफ रेल्स आपको देखने को मिलती हैं। इसको पकड़ के आप इस तरीके से गाड़ी को हिला सकते हैं। सिल्वर कलर का फिनिश, शार्क फिन एंट्रा, छोटी सी अपनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ, यहाँ पे आपको टैंक देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक के साइज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे मिलता है 48 लीटर का फ्यूल टैंक। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। रियर एंड पे आएंगे, डिफॉगर मिलता है, वाइपर मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ अपना यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ मैं पीछे की लुक्स की तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको पीछे के लुक्स देखने को मिलेंगे। LED की टेल लाइट है, यहाँ पे LED की पूरी रेड कलर की लाइट दिख रही है। यहाँ पे हेलोजन में इंडिकेटर, हेलोजन में रिवर्स लाइट, सुजुकी का लोगो, ब्रेजा, स्मार्ट हाइब्रिड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करूँ बूट स्पेस की तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं स्पेयर टायर की बात करूँ तो 16 इंच का टायर आपको देखने को मिलता है। MRF का कोई भी कटौती नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर बात करी जाए बूट स्पेस की तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे 328 लीटर का आपको यहाँ पे जो है बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा। इस तरीके से पीछे की तरफ एक लाइट, उसके बाद हुक देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से पकड़ के बंद कर देंगे। यहाँ पे आपको कैमरा, एक थर्ड यहाँ पे आपको सेंसर पैसिव एंट्री का, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिलीज का बटन, हेलोजन में यहाँ पे नंबर प्लेट का इल्यूमिनेशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो नीचे की तरफ आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ग्रे कलर की आपकी स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी, और कुछ इस तरीके से इसका व्यू हो जाता है। पीछे की तरफ आपको एक छोटा सा क्वार्टर पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर बात करी जाए आगे की तरफ तो ए पिलर ब्लैक आउट है, बी पिलर ब्लैक आउट है, सी पिलर भी आपका ब्लैक आउट ही है। उसके बाद अगर बात करें तो अपने दो हार्ड वाइपर, दो वॉशिंग फ्लूइड के आउटलेट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं इसके बूट्स अपने यहाँ पे इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1500 cc का पावरफुल इंजन। ठीक है, एक बार मैं आपको चौड़ कराता हूँ पूरा इंजन बे। इस तरीके का इंजन भी है, 1500 cc का 4 सिलेंडर वाला आपको इंजन देखने को मिलता है। अगर मैं इसके पावर फिगर की बात करूं तो 101 bhp, और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो 137 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे इंसुलेशन देखने को मिलेगी, रबर वीडिंग वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एक्साइड की बैटरी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे वॉशर फ्लूइड आप डाल सकते हैं, और ये है पूरा इसका इंजन बे। ठीक है, इस तरीके से बंद हो गया प्रॉपर थर्ड के साथ। ठीक, बहुत ही प्यारे लुक्स है भाई। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, पैसिव एंट्री का। ऊपर से अगर मैं चाबी की बात करूं तो वही टिपिकल की आपको देखने को मिलेगी मारुति सुजुकी की। एक बार मैं आपको चौड़ कराता हूं तो ये है भाई इसकी चाबी, देख सकते हैं। लॉक अनलॉक का बटन है, और यहाँ पे पीछे इस तरीके से सुजुकी का ब्लू कलर का ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। टुक 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 वाली आवाज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डार्क वाला वाइन कट फिनिश देखने को मिल जाता है यहाँ पे डोर पे। इस तरीके से ग्रैब हैंडल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको बटन होल्डर, मैगजीन होल्डर, स्पीकर, यहाँ पे अपना ट्विटर देखने को मिलेगा। क्रोम की फिनिश, ग्रे की फिनिश, यहाँ पे आपको 1 pinch अप एंड डाउन, यहाँ पे ड्राइवर साइड की पावर विंडो, यहाँ पे लॉक अनलॉक ऑप्शन, यहाँ पे फोल्ड अनफोल्ड करने का ऑप्शन, एडजस्टमेंट के ऑप्शंस, विंडो को लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलेगी। रिक्लाइन का ऑप्शन है, आगे पीछे करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आते हैं गाड़ी के अंदर, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे इसका इंटीरियर है।
ये है भाई कुछ इसका इंटीरियर। जल्दी से करते हैं गाड़ी को ऑन, गाड़ी ऑन हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पे तो आपको इस तरीके से ग्लॉस ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी इन्वर्टेड सिस्टम के अराउंड। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डे एंड नाइट वाला मैनुअल डे एंड नाइट वाला आपको IRVM, यहाँ पे आपको हेलोजन में लाइट, ये है अपने सनग्लास होल्डर, छोटी सी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा, लाइट भी देखने को मिलेगी। इस तरीके से मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। देखा ये ऑन है, अगर मैं इसको बंद करूँगा, नहीं अब नहीं बंद हुई, ऐसी बंद करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ट्राई मत करना, मैंने कर लिया, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे भी वाइन का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवल एडजस्टर। अगर मैं लाइट की बात करूँ, वाह सोचा ही था वैसी ही लाइट है, एकदम मस्त लाइट आपको देखने को मिलती है, ठीक। यहाँ पे इंडिकेटर कर देते हैं बंद, यहाँ पे इस तरीके से टैकोमीटर है, यहाँ पे अपनी स्पीडोमीटर है, यहाँ पे अपना यहाँ पे टेम्परेचर मीटर, यहाँ पे फ्यूल मीटर, यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले TFT डिस्प्ले, इसके अंदर आपको जो है वो वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे ही आप हर सीट पे सीट बेल्ट रिमाइंडर, मैं तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई, मैं गाड़ी को सीधा करता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखना कैसे आएगा, ये आ गया ना, हर सीट पे सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और भाई एक और चीज़ दिखाऊं, थर्ड गियर लगा है, हैंड ब्रेक डाउन है, क्लच छोड़ूंगा गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। डाउन शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है भाई, इतना रिफाइनमेंट है और कोई भी झटका वटका नहीं है। देखो आपके सामने थर्ड गियर पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे किसी भी गियर पे उठा लो भाई, कितना तगड़ा इंजन है 1500 cc का, मान गए मारुति। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, जबरदस्ती आप लोग भी तीसरे गियर पे उठा के क्लच प्लेट ना घिसे। और इसमें ज्यादा आपको वो मतलब अपने ज्यादा गियर शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं है, सिटी ड्राइव में चलाओ, सिटी में चलाओगे ना तो आप थर्ड गियर पे पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, गाड़ी कापेगी नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, बहुत तगड़ा रिफाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB Type-A की कनेक्टिविटी, यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर में आपको इस तरीके से कैमरा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अपने रियर वाइपर और आगे के वाइपर के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको देखने को नहीं मिलती है ZXI वेरिएंट में। उसके बाद मैनुअल हैंडब्रेक, दो कप होल्डर, यहाँ पे अगर बात करिए तो कुछ भी नहीं है, सेंटर में अगर एक आर्म रेस्ट होता तो मजा आ जाता ZXI वेरिएंट में। यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा ग्लव बॉक्स वगैरह देखने को मिल जाता है। अब कर लेते हैं इसको बंद, मैंने कर दिया इसको बंद, ठीक है। और अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो आगे की तरफ एयर बैग्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको हर सीट पे सीट बेल्ट रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ें मैं चौड़ करा दी, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये आपका स्मार्ट हाइब्रिड वाली नई चीज़ इसमें डाल दी है, तो ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी जो है नई चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं अपनी मारुति सुजुकी ब्रेजा में। अब चलते हैं पिछली सीट पे चल के चावड़ कर लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। एक बार मैं सीट को एडजस्ट कर दिया, हाँ ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इसको बंद। अब चलते हैं पिछली सीट पे, इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस तरीके से फैब्रिक का ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे बॉटल होल्डर है, यहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे अगर पावर विंडो के कंट्रोल्स, क्रोम का फिनिश, यहाँ पे लॉक अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और स्पेस की बात करें तो भाई कितना तगड़ा स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलता है, मैगजीन होल्डर है, अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे आपको सेंटर में 2 AC वेंट्स, यहाँ पे आपको 1 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, 2 यहाँ पे इस तरीके से एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट सीट्स के साथ ISOFIX स्टाइल सीट्स भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से पूरा आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है। एक बार मैं सनरूफ भी खोल देता हूँ, तो ये देखो भाई पूरा व्यू कितना प्यारा लग रहा है देखने में, है ना, लग्जरी सी लग रही है अंदर से बिल्कुल। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। पहले कर देता हूँ गाड़ी को बंद। अगर मैं इसकी एक शोरूम कॉस्ट की बात करूँ तो एक शोरूम कॉस्ट करती है आपकी 11,15,000 रुपये, 11,15,000 रुपीज है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। वही अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ तो मैं अभी हूँ आगरा में यूपी में, तो यहाँ पे ऑन रोड कॉस्ट करती है आपकी 13,08,000 रुपये की, 13,08,000 रुपीज है इसकी ऑन रोड कॉस्ट है यहाँ आगरा में यूपी में। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी वीडियो, मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार बाइक या गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।